हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और आज का ब्लॉग काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज हम जा रहे हैं घर, तो वहीं का ब्लॉग होने वाला है। तो ब्लॉग काफ़ी इंटरेस्टिंग हो रहा है और आज हम मतलब आपको पूरा जर्नी दिखाएंगे, यहाँ से मतलब पीतमपुर से सीधा घर तक की। तो अभी हमने यहाँ से पेट्रोल भरवा लिया है और अभी है तो यहाँ से निकलते हैं। तो अभी है तो जाएंगे उधर मानपुर जाएंगे, मानपुर से है तो फिर सीधा गुजरी से फिर अपना घर। तो अपना घर भी है तो थोड़ा बहुत आपको देखने के लिए मिलेगा, तो काफ़ी मजा आएगा। ब्लॉग में बने रहिए और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और अपने दोस्तों में शेयर करना। तो चलो शुरू करते हैं। सो गाइस, अभी आ गए हम मानपुर और मानपुर में है तो थोड़ा यहाँ पे होटल पे चलते हैं और कुछ खाना वाना थोड़ा नाश्ता वास्ता करते हैं, फिर निकलते हैं यहाँ से, है ना। बस यहीं पर रुकते हैं, यहाँ पे, हाँ यहाँ पे रुकते हैं। तो गाइस, अभी आ गए हम मानपुर में और अभी यहाँ से नाश्ता वास्ता करते हैं और फिर निकलेंगे सीधा घर। तो ये होटल है, अभी है तो हमारे यहाँ पे कचौरी वचौरी आ गया है दही चटनी में। और अभी है तो यहाँ से निकलते हैं, घर जाएंगे, गुजरी जाएंगे, गुजरी से तो सीधा घर। तो अभी है तो ये देखो, इधर आ गया हमारा दही चटनी वाला कचौरी और इधर अनुराग भी खा रहा है। तो अभी है तो यहाँ से निकलते हैं, फिर है तो बताते आपको जो भी है तो जर्नी वगैरह होगा। गाइस, दही चटनी वाली कचौड़ी काफ़ी टेस्टी है, काफ़ी मस्त लग रहा है। मतलब मैं यहाँ पे जब हमेशा तो घर जाता हूँ ना, तो यहीं पे तो मतलब दही चटनी वाला कचौड़ी खा के जाता हूँ, काफ़ी टेस्ट रहता है यहाँ पे। तो गाइस, अभी हम आ गए भैरू घाट पे और मानपुर घाट मतलब भैरू घाट पे। और अभी है तो यहाँ पे थोड़ा मंदिर से दर्शन करते हैं, फिर है तो निकलेंगे। तो अभी आपको दिखाते हैं, थोड़ा यहाँ का मंदिर वंदिर दिखा देते हैं, फिर इसके बाद में तो चलते हैं। और यहाँ पे नज़ारा काफ़ी मस्त है भाई, देखो पूरा इधर जंगल का एरिया है और काफ़ी मस्त जंगल है भाई। और पूरा ये है तो हाईवे है, सीधा दामनंद रोड है ये, और इधर है तो ये इंदौर रोड आ जाता है इधर। चलो दर्शन वर्शन हो गए, काफ़ी मस्त लगता है भाई। सबसे बेस्ट मतलब ना, तो ये जंगल काफ़ी मस्त लगता है भाई। यहाँ से जो जंगल देखने में व्यू आता है ना, तो वो काफ़ी मस्त व्यू आता है भाई। ये देखो, ये इधर है तो पूरा जंगल है और काफ़ी मस्त है, और ये हाईवे है सीधा मतलब धामनंद। हाँ ब्रो, आप यहीं के रहने वाले हो? हाँ, क्या करते हो? दुकान। अच्छा, दुकान है ना। चलो आप भी आ गए वीडियो में हमारे, है ना। चलो तो चलो गाइस, अभी यहाँ से निकलते हैं और सीधा पहुँचते हैं अभी घर। और अभी तो गुजरी जाना है, गुजरी में है तो देखते हैं क्या सीन है, थोड़ा बहुत रुकेंगे तो ठीक है, नहीं तो फिर है तो सीधा घर जाएंगे, है ना। तो चलो दिखाते हैं बाकी इधर जंगल का व्यू, तो आपने चेक कर ही लिया भाई, काफ़ी खतरनाक मतलब। हाँ, और इधर नदी भी है, देखो भाई ये इधर है नदी जो कि काफ़ी मस्त दिख रही है भाई। चले इधर है मंदिर, तो चलो अभी है तो निकलते हैं यहाँ से। चले चलो, गाड़ी में चलाऊँ कि तू चला रहा है?
तो फाइनली अभी हम आ गए हैं घर पे, और घर पे तो अभी मैं यहाँ पे आ गया हूँ, तो घर आपको दिखाएंगे। तो पहले क्या, सबसे पहले आपको ऊपर ले चलते हैं, जो कि ऊपर से आपको पहले है तो शुरुआत करता हूँ। मैं सोचा कि घर का वीडियो बना रहे हैं तो फिर पहले ऊपर आके ऊपर से आपको व्यू दे देते हैं, फिर इसके बाद में तो दिखाते हैं नीचे जाके अंदर के भी कमरे वगैरह, वो भी दिखाएंगे। तो ब्लॉग में बने रहिए, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। बाकी देखो ये हमारा छत है जो कि घर का, बाकी इधर है तो अभी मतलब ये हमने हरी सब्जी लगा रखी है जो कि गिलकी और लौकी ये सब है, तो मतलब लगा रखा हमने यहाँ पे। और ये है नीम, हमारे घर के सामने ही है, तो मतलब नीम का पेड़ है बड़ा सा, जो कि नेचुरल हवा आने के लिए। और इधर है छोटा सा, मतलब ये खेत है हमारा छोटा सा, मतलब यहाँ पे हरी सब्जी हम लगाते हैं, ये वाले खेत में हम हरी सब्जी लगाते हैं, और मतलब हरी सब्जी खाने के लिए काफ़ी मस्त रहता है। मतलब अपनी नेचुरल जो सब्जी मिलती है ना, वो तो सही बात है, मतलब अपने घर की सब्जी खाओ और ना तो काफ़ी मस्त रहती है, तो वो सही है। बाकी इधर है तो हम पूरे सब्जी लगाते हैं इसमें, और इधर है पास में ही, मतलब इधर कपास का खेत है। और बाकी देखो आप पूरा जंगल का व्यू क्या मस्त लग रहा है, और पूरा ग्रीन ग्रीन सा लग रहा है। और उधर है हमारे दादा का घर, वो वाला है ना, तो हमारे दादा का घर है। तो नीचे से भी आपको दिखा देते हैं, ये सीढ़ी लगाई गई है, ये सीढ़ी हमने मेरे हाथ की से ही बनी है पूरी, जो कि इधर है वॉशरूम, और ये है पूरा अपना घर का एरिया, ये देखो। और ये डिजाइन देखो, ये पूरी मेरे हाथ की बनी है पूरी डिजाइन। चलो अभी एंटर कर गए कमरे में, थोड़ा लाइट चालू कर लेता हूँ मैं। चलो ये अभी हम आ गए कमरे में, घर का मतलब मेरा कमरा ही है, तो इसमें चार कमरे हैं। तो ये सामने ऐसा है अपने कमरे का एरिया, मतलब पूरा, और इधर खटिया वटिया पड़ी है जो कि पूरा नेचुरल, मतलब जो गांव वाली फीलिंग आती ना, वो है तो यहीं पे आती है वही गांव में। और उधर मशीन रखी है, और बाकी इधर है तो किचन है, मतलब छोटा सा किचन है। और उधर है तो अभी उधर किचन बनाना है मेरे को, पर अभी है तो बनानी है, अभी फ़िलहाल में खाना वगैरह यहीं पे बनाते हैं हम लोग। और इधर है गोदरेज देखो, अभी है तो मैं यहीं पे है तो मतलब व्लॉग शूट कर रहा हूँ, तो ये काफ़ी सही बात है, मतलब कि गांव में भी है तो मतलब थोड़ा घूमना चाहिए। ऐसे तो मैं बहुत कम आता हूँ गांव में, कि गांव तो मेरे को ज़्यादा आना नहीं रहता है, मैं उधर ही पीतमपुर में ही ज़्यादा रहता हूँ, तो वो सही है। चलो आपको दूसरा कमरा भी दिखाया जाए, देखो डिजाइन क्या मस्त लग रही है। और इधर है अपने कान्हा जी, इधर है हमारी गाड़ी, और इधर है ये दूसरा कमरा है जो कि इधर बेड वेड रखा है, अभी अनुराग सोया है, उसको सोने देते हैं, डिस्टर्ब नहीं करना चाहते। और इधर है ये सामान, और एक ये कमरा है जो लास्ट कमरा आ जाता है, इसमें अभी है तो कुछ भी नहीं है, अभी ये पूरा कमरा खाली पड़ा है। ये देखो भाई क्या मस्त, इधर सोप वोप लगी है, इधर पूरी हरी सब्जी लगाते हैं हम लोग, और इसमें भी देखो गिलकी लगी अभी फिलहाल में, ये गिलकी है, और लौकी भी लगी है ऊपर। चलो दूर से दिखाते हैं आपको, अभी हम दिखाते हैं दूर से अपना घर, ये देखो दूर से घर हमारा ऐसा दिखता है, और पूरा सब्जी का वो लगा रखा है ऊपर। और इधर ही है, ये वाला मेन रोड है सीधा मेसवर वाला, आशापुर मेसवर, तो दूर से हमारा घर ऐसा दिखता है। और इधर है बेबी हमारा, हमारे भैया का लड़का, देखो कितना क्यूट दिख रहा है, मस्त है बेबी है। तो चलो गाइस आज का ब्लॉग बस यही था, तो अगला वीडियो आएगा ना वो है तो काफ़ी मस्त आएगा,
तो उसको जरूर देखना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, अपने दोस्तों में शेयर करना। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड, टाटा बाय बाय।